मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। ये खबर मैंने आपको कल फेसबुक पेज पर बताई थी कि एक पत्रकार ने स्मृति ईरानी जी से कुछ सवाल कर लिया, मैडम को गुस्सा आ गया, बोली हम आपके मालिक के पेपर के मालिक से बात करेंगे, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ये बात अलग है कि दैनिक भास्कर ने पहले बता दिया था कि वो हमारा नौकर ही नहीं है, हमारा रिपोर्टर ही नहीं है, मैं तो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि पत्रकारों को स्ट्रिंगर को ये लेटर ही नहीं देते हैं, काम लेते हैं पूरा। राशिद हुसैन नाम का वहाँ स्ट्रिंगर था, उसको ग्रुप से निकाल दिया गया। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ आपकी, और वहाँ पर लगाने के बाद वो जो कैमरामैन था विपिन यादव नाम का, उसका न्यूज़ लॉन्ड्री में एक इंटरव्यू छपा है। उसने कहा कि मैडम आई थी सालोन विधानसभा अमेठी में है, वहाँ से हम इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर करने के बाद मैडम आई, मैडम ने कहा मैंने सालोन में सारे मीडियाकर्मी से बात कर ली है। विपिन यादव ने इतना कह दिया कि मैडम आपने सालोन वालों से बात कर ली, ये जगदीशपुर क्षेत्र है आपके, यहाँ पर भी दो शब्द बोल दीजिए। मैडम को गुस्सा आ गया, क्या ये मेरा एरिया है सालोन, आप मेरे लोगों की अपमान नहीं कर सकते। इसमें अपमान की क्या बात है? मैंने आपको कल बताया था दर्शकों कि सवाल कुछ और होता है, ये जवाब कहीं और देते हैं, और ऐसा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इनके ऊपर आरोप लगता है कि बस मोदी जी को इतना गलत कह दिया, इतनी गालियां सुना दी हैं। अरे मोदी जी ने तो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोल दिया, भाई क्या क्या नहीं बोला बताइए। सोनिया गांधी के मुंह से कोई शब्द निकला? प्रियंका गांधी के मुंह से कोई शब्द निकला बताइए आप? राहुल गांधी के मुंह से शब्द निकला? जितने भी सभ्य नेता हैं उनके मुँह से कोई शब्द निकला? मनमोहन सिंह जैसे नेता के बारे में तो ये बात बोल दी गई, आपको मालूम है क्या क्या नहीं बोला गया? तो दर्शकों बात यह है कि इन लोगों का, बहुत सारे नेताओं का ये काम हो चुका है कि सवाल आपसे कुछ और होगा, जवाब वो कुछ और देंगी, और लोगों को सामने रख करके, मतलब सवाल पत्रकार का जवाब नहीं देना है, जवाब जो है बेसिकली पब्लिक को सामने करके देना है। अभी क्या हुआ, कुछ दिनों पहले इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश के मेरठ में। मैं इलेक्शन के पहले इसलिए नहीं जाता दर्शकों अक्सर क्या कहते हैं प्रत्याशियों के पास, कि वहाँ पर यह इल्ज़ाम लगता है कि लिफाफे लेने आए। तो मुझसे एक साहब बोले जो यहाँ पर लड़ रहे थे मेयर का प्रत्याशी अतुल प्रधान जी, कि साहब आप पहले आए, हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो हम आप आए। मैं इलेक्शन के बाद गया था उनसे बात करने, बेसिकली उनका इंटरव्यू करने, कि ये जो विधानसभा, ये जो मेयर सीट के अंदर मुस्लिम वोटेज चला कहाँ गया। इतना ज़्यादा गुस्से में बिफरे, मैंने कह रहे ये आप भारतीय जनता पार्टी वालों से हिम्मत है सवाल पूछने की? आप मेरे चैनल पर जाकर देखें दर्शकों, मेरे सवाल किन से होते हैं जो सत्ता में हैं। लेकिन जैसे उनसे सवाल पूछा, उन्होंने मुझसे जवाब देने की कोशिश नहीं की है। वहाँ बैठे हुए जो 70-80 बेचारे वार्षद लोग थे, जो हारे थे और जीते थे और बाकी लोग थे, उन पर अपनी धमक दिखाने के लिए ऐसा काम करना शुरू कर दिया। अरे 1,500 पत्रकार फिरते हैं, मैं जवाब ये भी दे सकता था कि साहब 1,50,000 नेता हमारे भी पीछे फिरते हैं, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, छोटा सा पत्रकार की गरिमा के अंदर ही मुझे सवाल करना था। मैंने ये कहा, मैं कहा सर आप मुझे किस तरह के सवाल करना है ये आप नहीं बताएंगे मुझे। गुस्से से उखड़ जाते हैं। गिरिराज जी आए थे एक बार, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, मैंने आपको एक बार बताया सर्किट हाउस में, कह रहे राहुल गांधी बड़ी जो है बदनामी कर रहे हैं देश की। मैंने बोल दिया कि प्रधानमंत्री जी तो बोल रहे हैं सांप और सपेरे का देश है, इसके बारे में क्या बोलेंगे, कुछ और बात करने लगे। मैंने दोबारा सवाल किया, बोले आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया, मैंने आपको बताया था पहले भी। दर्शकों ये नेता असल में पब्लिक को सामने रखकर बात करते हैं, इंटीमेसी जो है इनके, इनकी पब्लिक से है। अब वो सवाल तो कर रहा कि आप एक विधानसभा में बात कराई हैं, अब आप जगदीशपुर में, यहाँ भी दो शब्द बोल दीजिए, क्या गलती कर दी थी? नौकरी से हाथ धोना पड़ गया उसको। तो बहरहाल अपना अपना YouTube का क्षेत्र है, वहाँ पर अब बात करें, पत्रकारों को भी कोई हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, पैसा ये ज़्यादा देते नहीं हैं और ये बंधवा मजदूरों की तरह काम करते हैं, एजेंडे पर काम करते हैं। TV चैनल्स और अखबार दैनिक भास्कर ने निकाल कर फेंक दिया, अभी अच्छी खासी रिपोर्टिंग कर रहा था कोरोना के समय, सवाल सरकार से सवाल पूछ रहा था, और अचानक क्या हुआ कि ट्रेनों के अंदर एक्सीडेंट हुए हैं, बता दिया 1,000 से ज़्यादा, उसको भी डिलीट कर दिया। मैं लगा देता हूँ आपको, चूँकि छापे पड़ गए 2-4-5। अरे पढ़ने तो छापे, चोरी चकारी करते क्यों हैं जो छापे का डर है? कहने का मतलब दर्शकों ये है कि पत्रकारों की हालत यह है। अच्छा 90% या 95% तो पत्रकार ऐसे हो गए, वो चाटुकार बन गए, चूँकि ये तो बेचारा बिना सैलरी का पत्रकार था। राशिद हुसैन इसका नाम है, मेरा भी नाम राशिद जहीर है, तो इसको तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, ये बोल रहा है कि मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, हम काम कर रहे थे, तो इसको निकाल दिया गया एक सवाल के करने में, चूँकि इसके कैमरामैन ने सवाल कर दिया था। गलत तो था, सवाल तो उनको ही करना चाहिए था, लेकिन अगर एक आम आदमी ने भी सवाल कर लिया स्मृति ईरानी से, तो इतनी ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं थी कि मालिक को कॉल कर देंगे।
और मालिक ने निकाल दिया उनको, बेचारे अपनी छोटा छोटा काम कर रहे थे। तो बहरहाल दो बात बताने आया था कि पत्रकार को निकाल दिया गया सवाल पूछने पे, और दूसरी बात यह कि सवाल पूछा कुछ और था, ये मैंने आपको कल भी एक खबर में बताया था, जवाब कुछ और दिया जाता है। और तीसरी बात, पत्रकारों की हालत क्या है ये भी मैंने आपको बताई। आपसे गुजारिश है दर्शकों के, खबर अगर अच्छी लगती है आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और हमारा यूट्यूब का चैनल है न्यूज़ 9 टीवी, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।